सिरोंज के सेमलखेड़ी झागर डैम के निर्माण कार्य में डंपर ने 400 मीटर के दायरे में बिजली के 8 खंभे तोड़ दिए हैं। डंपर की टक्कर से बालक भी घायल हो गए, तो चालक ने हाइड्रोलिक के पंप को नीचे नहीं किया और इस कारण डंपर का पिछला हिस्सा ऊंचा उठ रहा और चालक डंपर को तेजी से गांव की सड़क पर चलाता रहा। इस बीच डंपर के पीछे लगे डाले की चपेट में बिजली के खंभे के केबल आना शुरू हो गए। गाँव वाले आवाज़ देते रहे लेकिन चालक नहीं सुना, केबल खींच गई और एक के बाद एक 8 खंभे गिर गए और कुछ खंभे सड़क पर गिरे तो कुछ कच्चे घरों पर भी गिर गए। बता दें कि विद्युत विभाग के जे जितेंद्र कुमार मेहरा ने मामले की शिकायत थाने में की है और प्रकरण दर्ज कर लिया है। कल लगभग 2 बजे के आसपास की बात है, एक डंपर था जो सेमलखेड़ी में डैम बन रहा है वहाँ पे कुछ पुराई उराई का काम कर रहा था, तो ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक जो डंपर के उसको ऊपर करके वो चल जा रहा था रोड से, तो उसमें जो हुआ कि वो केबल जो हमारी थी, केबल और खम्भे जो थे वो केबल और खम्भे उस डंपर में फंसते हुए चले गए, जिसके कारण जो है हमारे लगभग 8 खम्भे गाँव के LT लाइन के जो थे वो टूट गए हैं। और वो सुनने में आया कि मेरे स्टाफ को मैंने पहुंचाया था, उन्होंने देखा भी है, वहाँ एक बालक को भी चोट आई थी, उसमें उसको भी हल्की फुल्की चोट है, ज़्यादा चोट नहीं है।